हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं सेट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके वर्कशीट के अंदर हैं, जो आपके 100 क्वेश्चंस वाली जो वर्कशीट है उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है, लेट ए एक्साइट है 1 2 3 4, बी एक्साइट है 2 4 6, देन द नंबर ऑफ सेट सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट इक्वल टू सी एंड सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो सबसेट है किसका? सी का, और सी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। तो इसी टाइप से सी कितने नंबर ऑफ सेट्स पॉसिबल है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ सेट्स हम बना सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हमको जब दिख रहा है कि ए और बी हमारे पास गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट सी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 एंड 4। क्या कॉमन आया? सिर्फ 2 और 4 कॉमन आया। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका? सी का। तो सी के अंदर 2 4 तो आना ही चाहिए, और सी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। तो सी जो है वो ए यूनियन बी के साथ भी यूनियन कर जाएगा तो हमारा सबसेट हो जाएगा, तो ए यूनियन बी के अंदर भी आ जाएगा। तो सी ओवरऑल कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 4 तो आना ही चाहिए। तो पॉसिबल सेट जो है सी के क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बन जाएगा 2 4, ठीक है, और क्या बन सकता है 2 4 के अकॉर्डिंग? जैसे हम 3 पे बात करें तो 3 एलिमेंट्स पे क्या बन जाएगा? 1 2 3 या 1 2 4, ठीक है, और क्या बन सकता है 3 के अकॉर्डिंग? 2 3 4, ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है इसके अकॉर्डिंग? 2 4 6, मतलब 2 4 तो आना ही आना है उसके अंदर। क्यों? कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है सी का, तो सी के अंदर 2 4 होगा तभी तो सबसेट आएगा वो। तो 2 4 6 और 3 की कोई पेयरिंग बन सकती है क्या? 3 के अकॉर्डिंग इतनी बन रही है, फिर 4 के अकॉर्डिंग बना है, और सॉरी 3 के अकॉर्डिंग तो बन गई, अब 4 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 1 2 3 4 ये बन जाएगी एक, तो और क्या बन सकता है? 1 2 1 2 4 6, ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है? 2 3 4 6, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो कितने बन गए ये? और एक टर्म क्या बन सकती है? 4 के अकॉर्डिंग ये बन गया, और एक टर्म क्या बन सकती है इसके अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 6, मतलब अगर ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो ए यूनियन बी कितना बन जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 6। तो देखो सी इसके अलावा और कोई टर्म बन पा रही है? 2 पॉसिबल, मतलब 2 4 तो आना ही था, तो 2 4 तो हो गया। और क्या हो सकता है? 1 2 4 ले लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा सी का, अगर सेट ये हुआ, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट हमारे पास ये है तो, और ए इंटरसेक्शन बी 2 4 है तो भी सबसेट होगा सी का, इसके अकॉर्डिंग सबसेट होगा, मतलब 2, क्योंकि 2 4 आ रहा है, 2 4 हर एक सेट के अंदर होना चाहिए सी के पॉसिबल सेट्स के अंदर, तभी वो क्या होगा? सबसेट होगा। तो हमने हर एक सेट के अंदर 2 4 लिखा है, तो 2 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये हो गया, 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग कितने बन गए? ये 3 बन गए, 4 एलिमेंट के अकॉर्डिंग कितने बने? 1 2 3, ठीक है, और क्या नाम से 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कितने बने? एक ही बन पा रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉसिबल्स आ रहे हैं? 8 पॉसिबल्स आ रहे हैं सी सेट्स के अकॉर्डिंग, कि अगर सी सेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा सी का और सी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो कितने पॉसिबल सेट्स हैं सी के? 8। तो ये आंसर हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एक सेट दे रखा है किसमें? एक्स वाई मतलब एक पेयर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y, वेयर y इक्वल टू e to the power 2x, वेयर x बिलोंग्स टू r, r मतलब कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड b एक सेट है x, y, वेयर y इक्वल टू e to the power -2x, यहां पर y किसके इक्वल है? e to the power -2x, फॉर ऑल, ये किसका साइन है हमारे पास? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब कुछ भी आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करें
तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन दे रखा है हमें y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नॉट अ सेट, या फिर सिंगलेटन सेट, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इंटरसेक्शन फॉर्म कैसे निकल के आ रही है कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा होगा। तो आपको दिक्कत यह है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कि e की पावर 2x जैसे एक रिलेशन बना रहे हैं और रियल नंबर हम पुट करते हुए जा रहे हैं, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे? और अगर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x देख रहे हैं तो क्या क्या ऑर्डर पेयर निकलते हुए आ रहे हैं? तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे बहुत सारा हो जाएंगे, इनफाइनाइट चल जाएंगे, क्योंकि e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.718। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है? 2.718। अब उसकी पावर हम रखते हुए जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज निकलती हुई आएगी, रियल वैल्यूज। तो क्या करें इसको? अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ रिलेशन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वाई इक्वल टू, एक तो क्या है ई टू द पावर 2x है, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास, और एक इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 2x। तो दोनों कंपेयर कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग, वाई इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 2x हो गया। इस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रेसिप्रोकल फॉर्म में e की पावर 2x। तो e की पावर 2x किसके इक्विवेलेंट हुआ? 1 अपॉन e की पावर 2x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया e की पावर 4x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया ये? अब क्या करें इसको? अब e की वैल्यू फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं e की पावर 4x इक्वल टू e की पावर 0। कि इसको वो e फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे कि e की पावर 0 लिख सकते हैं। e क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ e टू द पावर फॉर्म में है, वो लॉगरिथम फॉर्म से आप कर सकते हैं चाहे। तो ये हो गया हमारे पास e की पावर 0। तो बेस सेम है और रिपीट फॉर्म में है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी 4x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो x की वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है? x की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 दे पुट कर रहा हूं तो y की मेरे पास क्या निकल के आ रही है? 1 वैल्यू निकल के आ रही है। और यहां पर भी x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो किसी की पावर भी 0 होती है तो आंसर कितना होता है? 1। तो यहां से भी क्या निकल के आया? 1 ही निकल के आया। तो मतलब a की ऑर्डर पेयर जो x कॉमा y था वो सिर्फ a की निकल के आ रहा है 0,1। मतलब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो सिर्फ एक सेट निकल के आ पा रहा है जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? नॉट अ सेट हुआ नहीं, क्या आ गया? सिर्फ एक ही सेट आ रहा है। तो ये हो गया सिंगलेटन सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्विवेलेंट हुआ? सिर्फ एक सेट आ रहा है हमारे पास 0,1। ये पूरा एक एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट हुआ सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सिंगलेटन सेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया? इंटरसेक्शन पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी आया 0,1। और क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2। बी क्या सेट है? एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? आर माइनस सी, मतलब R मतलब रियल नंबर में से C माइनस हो रहा है C, देन द सेट C इक्वल्स टू, मतलब R माइनस C, R तो हमारे पास क्या है? रियल नंबर। C क्या था? तो C आगे बता रखा है, देन C सेट C इक्वल्स टू, मतलब C सेट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि C सेट क्या हो सकता है जिसे A यूनियन B के इक्विवेलेंट आ रहा है। इक्विवेलेंट किस टाइप से? कि R में से C सेट को अगर हम हटा देते हैं तो वो A यूनियन बन रहा है, A यूनियन B बन रहा है। तो वो C सेट क्या पॉसिबल हो सकता है? X as that माइनस टू, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू या टू से लेस देन, और यहाँ हो गया माइनस टू और फोर के बीच में हो गई, माइनस टू और फोर इंक्लूड है। सी ऑप्शन क्या है? टू से फोर के बीच में, जिसमें टू इंक्लूड है और फोर नहीं है, और डी क्या हुआ? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ। तो कैसे करें? ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन आपको पता है किसमें ओपन होता है? दो में, एक तो प्लस में और एक माइनस में। मॉडुलस फंक्शन कैसे देखते हैं हम? मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे ओपन होगा? एक तो एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स कब होता है? व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये हो गया एक्स लेस देन जीरो पे। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। अगर हम इसको देखते हैं एक बार प्लस में, तो ये एस टीज हो गया एक्स लेस देन टू, और अगर माइनस में देखते हैं
तो माइनस ऑफ एक्स लेस देन टू, तो ये इनइक्वालिटीज के अंदर माइनस साइन जब भी जाता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया था हमारे पास रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग जब देख रहे हैं माइनस वाले साइन के अकॉर्डिंग, तो क्या टर्म बन जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू। तो ये ओवरऑल रिलेशन इससे आया एक के अकॉर्डिंग, तो ए सेट के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या बन रहा है, ए वाला सेट क्या बन रहा है हमारे लिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू से तो अबाव और टू से लेस देन। ये हमारे लिए ए सेट के बारे में बता रहा है कि ए सेट के एलिमेंट जो होंगे, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स क्या होगा माइनस टू से टू के बीच में, ठीक है, ए का इंटरवल क्या देखा है माइनस टू से टू के बीच में। सिमिलरली अगर हम बी के लिए बात कर रहे हैं तो मॉडुलस फंक्शन आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया जाता है, तो अगर मैंने एक्स माइनस टू यहां पर एक्स माइनस टू अगर पॉजिटिव लिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग जब देख रहे हैं तो एक्स ये टू उधर जाएगा तो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो गया। तो एक तो रिलेशन हमें मिल गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, बी वाले पार्ट के लिए। और अगर माइनस में लेता हूं माइनस ऑफ, एक कंडीशन तो ये होगी पॉजिटिव अकॉर्डिंग, माइनस के अकॉर्डिंग देखता हूं एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इस माइनस साइन को जब मैंने शिफ्ट किया तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ये टू भी इधर गया तो क्या हो गई एक्स की वैल्यू क्या हो गई लेस देन इक्वल टू जीरो, ये टू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इससे दो कंडीशन आ रही है कि एक तो एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इससे दो कंडीशन बन रही है। ये हमारे लिए किसके लिए मिल गया, ये मिल गया बी के लिए कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कौन सा एक्स क्या होगा एक्स कि या तो जीरो या जीरो से लेस देन होगा या फिर फोर से अबव होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है ए यूनियन बी। तो चलो इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जैसे कि यहां पर देखते हैं अगर मैं ए सेट की बात कर रहा हूं तो ए सेट का मतलब क्या हो रहा है, ये कहां से कहां तक चल रहा है, ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये हम जैसे स्टेप से ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं माइनस टू और यहां ले लिया टू, ये तो बात हो रही है किसके लिए, ए के लिए। और बी के लिए जब बात हो रही है यहां ये इन्फिनिटी मान रहे हैं अपन और ये माइनस का इन्फिनिटी मान रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी हो रहा है। यहां पर कंडीशन क्या आ रही है, ये तो गया हमने किसके लिए बात कर लिया ए के लिए, तो ए के लिए क्या हो रहा है कहां से कहां लाया कर रहा है माइनस टू से टू, तो मतलब माइनस टू ये इन्फिनिटी का साइन के अकॉर्डिंग इक्वल टू फॉर्म नहीं दे रखी है तो ये ओपन रह गया, माइनस टू इंक्लूड नहीं है और टू इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो ये वैल्यू कहां से कहां जा रही है माइनस टू से टू के बीच में, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस टू से टू के बीच में लेकिन माइनस टू और टू इंक्लूड नहीं है। बी की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है जीरो, तो माइनस टू और टू ये जीरो हम यहां ले लेते हैं, जीरो कहां डिसाइड करते हैं यहां ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास जीरो और फोर कहां लेते हैं यहां ले लेते हैं, ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग जीरो या जीरो से लेस देन, तो मतलब ये पूरी टर्म आ रही है और जीरो भी क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा था इसको हमने कर लिया डार्क जो कि हमने इंटरवल में सीखा था, और फोर या फोर से अबाव तो फोर भी इंक्लूड है और फोर से अबाव भी जा रहा है इन्फिनिट तक, तो ये पार्ट बता रहा है किसके लिए, बी के लिए। अब ए यूनियन बी की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों को मिला के करना है, तो दोनों मिला के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी ए तो ले नहीं रहा लेकिन बी तो ले रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक जिसमें क्या बी वाला तो इंक्लूड कर रहा है लेकिन ए नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं ए यूनियन बी में दोनों मिल जाते हैं, तो ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पार्ट आ रहा है हमारे पास, ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग क्या आया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये पार्ट मिल रहा पूरा, एंड एंड पॉइंट क्या मिल रहा है माइनस सॉरी जीरो नहीं टू तक, माइनस इन्फिनिटी से टू तक कि जीरो तक तो इस समय मिल रहा है फिर जीरो से आगे इसमें मिल रहा है टू तक, लेकिन टू इंक्लूड नहीं था इसलिए क्या लिख दिया ओपन इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से टू तक हमें यहां तक पोर्शन मिल रहा है,
ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग। फिर जब आगे बात कर रहे हैं तो टू से फोर पॉइंट जो है वो खाली है, ना तो ए में इंक्लूड हो रहा है ना ही बी में इंक्लूड हो रहा है, तो वो कंडीशन हट गई। फिर क्या मिल रहा है, फोर से इंफिनिटी इसमें तो है नहीं, ए में तो है नहीं लेकिन बी में है, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो यूनियन क्या हो जाएगा, फोर से इंफिनिटी। फोर हमारे पास इंक्लूड था तो फोर को हमने किसमें किया, क्लोज इंटरवेल में कर दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या पार्ट आया, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक था बी तो, लेकिन टू तक ए में था तो हमने क्या कर लिया, माइनस इंफिनिटी से लेके टू तक, जिसमें टू इंक्लूड नहीं था। तो और क्या आ रहा है, टू से फोर इंक्लूड नहीं था लेकिन फोर से इंफिनिटी तक इंक्लूड था बी के पार्ट के अंदर, तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी एक्चुअल में आया क्या हमारे पास, इंटरवल के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है हमें, आर माइनस सी मतलब रियल नंबर माइनस सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बात कर रहा हूं तो वो रियल नंबर हो गया, और आ भी हमारा एक्चुअल में रियल नंबर ही रहा है लेकिन कुछ पार्ट छूट रहा है, तो कुछ पार्ट क्या छूट रहा है, इसको हम लिख सकते हैं यूनियन बी को रियल नंबर माइनस क्या पार्ट छूट रहा है, यहां माइनस इंफिनिटी से लेके टू तक तो पूरा इंक्लूड हो चुका है जिसमें टू इंक्लूड नहीं था, तो ये टू पॉइंट था लेकिन टू से फोर तक का पार्ट जो है ये ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो ए यूनियन बी में आएगा ही नहीं, तो टू से फोर तक का पार्ट हमारा छूट गया। तो हम क्या ले रहे हैं, ए यूनियन बी में से माइनस कर रहे हैं कौन सा पार्ट, ये कौन सा इंटरवल माइनस कर रहे हैं, टू से फोर तक, तो फोर तो हमने इंक्लूड कर लिया था तो फोर तो रह गया ओपन इंटरवल, और टू इंक्लूड नहीं किया था तो टू आएगा, तो टू या टू से अबाव कहां तक, फोर तक, फोर से मतलब फोर से पहले पहले, फोर इंक्लूड नहीं होगा तो टू से फोर वाला पार्ट छूट रहा है रियल नंबर में से, अदरवाइज ए यूनियन बी क्या हो रहा है, पूरा पार्ट है, बस टू से फोर वाला पार्ट हटा देंगे तो हम, ठीक है। तो ये इंटरवल फॉर्म में सेट फॉर्म में चला गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर में से हम ये पार्ट हटा रहे हैं, और ये क्या था, सी था, तो सी क्या हो जाएगा इसके अंदर, टू से फोर के बीच में, तो ये तो था माइनस टू से टू, ये नहीं है हमारे पास, माइनस टू से फोर, जबकि है टू से फोर, सी वाला पार्ट क्या है, टू से फोर मतलब टू इंक्लूड है और फोर से लेस देन वाला पार्ट, तो सी आंसर मिल रहा है हमें इसके अकॉर्डिंग। तो ये इजी हमें कैसे पड़ा, कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन पे बना लिया और पॉइंट्स वहां कंसीडर करके पहले ए यूनियन बी इंटरवल फॉर्म में निकाल लिया, फिर अगर रियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा पार्ट छूट रहा है उसको हमने देखा, वहां से हमें आंसर पकड़ में आ गया, क्लियर हुआ आपको। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर अ सेट ए, ए सेट तो क्या है 1, 2 और बी सेट क्या है 2, 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी मतलब पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, बी ऑप्शन है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, सी सेट, सी ऑप्शन दे रखा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो तीनों में कंडीशन जो आ रही है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी की बात हो रही है, तो पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। तो अगर पावर सेट ऑफ ए की बात होगी तो ए के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा हमें, पावर सेट ऑफ ए जो क्या होगा 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1, 2, ये तो हो गए पावर सेट ऑफ ए के। पावर सेट ऑफ बी की जो बात हो रही है वो हो जाएगा, इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2, एक 3 और एक 2, 3, ठीक है। ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, 5, पहले सिंगल सिंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1, 2, 3, डबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1, 2, 1, 3, 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 2 के अकॉर्डिंग 2,
के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 3, ठीक है। और 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 हो गया टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ये है। अब देख लेते हैं फटाफट कि कौन सा ऑप्शन इसके हमको मिल रहा है। तो पावर सेट ऑफ पहले ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए हमें मिल गया ये, और पावर सेट ऑफ बी भी मिल गया। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ये हमें क्या देगा, फाइव 1 2 और 3, और क्या दे रहा है हमें 3 के बाद 1 2 और 2 3 ये मिल रहा है टोटल 5 1 2 3 तो आ गया, फिर 1 2 और 2 3 टोटल एलिमेंट्स ही आ गए। ये किसके आए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब ये देख रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट जा रहा है नहीं जा रहा। तो 5 दोनों में है, 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों को बिलोंग कर रहा है, 1 कॉमा 2 भी है और 2 कॉमा 3 भी है। बट ए यूनियन बी के अंदर 1 कॉमा 3 मतलब ये वाला सेट 1 कॉमा 3 तो बिलोंग कर रहा है किसके हो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी को। बट वन कॉमा थ्री नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इस वाले पार्ट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब ये इस वाला पार्ट और इक्वल फॉर्म में, इक्वल फॉर्म मतलब क्या हो रहा है कि मतलब इसमें जो ए के एलिमेंट जो है वही बी के एलिमेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब इक्वल जाएगा। तो 1 कॉमा 3 ए यूनियन बी को तो बिलोंग कर रहा है, बट पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इक्वल नहीं हुए। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन मिल गया। क्लियर हुआ, अगर इक्वल आ जाता तो हमारे पास क्या होता, ये होता। तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी तो इतना आ रहा था हमारे पास, तो वे क्लियर हुआ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी कि कैसे जाएगा। पावर सेट ऑफ में क्या आ रहा है, 5 2, सिर्फ 5 और 2 ही कॉमन आ रहा है, जबकि ए यूनियन बी तो इतने सारे पार्ट हो गए, तो ये वाला पार्ट भी नहीं हो पा रहा। तो एक ऑप्शन हमें मिल चुका है, कौन सा, ए ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड क्या है, इंटीजर नंबर्स हैं, और ए एक सेट दे रखा है ए कॉमा बी, मतलब वही ऑर्डर पेयर में आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 3B² इक्वल टू 28। ये एक रिलेशन दे रखा है जिसमें ए और बी क्या है, ए और बी तो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हमको इंटीजर वैल्यू लेनी है और सेटिस्फाई करना है यहाँ पुट करके कि आंसर 28 आ रहा है। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर निकल रहे हैं, वो तो हो जाएगा ए सेट। बी सेट क्या है कि ए कॉमा बी ये भी ऑर्डर पेयर में है, जहां पर क्या है ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे यहाँ ए और बी में रिलेशन क्या होता रखा है कि ए स्क्वायर प्लस 3B² इज इक्वल टू 28 है, ऐसे बी वाले सेट के अंदर क्या बता रखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, जहां पर क्या है ए बी भी क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। तो यहां से देखा जाए तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, इंटीजर देखा जाए तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन यहां हमारे पास कंडीशन एक सेट फॉर्म बन सकता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का हम कंपेयर करेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ऑप्शन है 2 6 4 या फिर 5। तो मेन जो है इसमें ए ही हमको निकालना पड़ेगा, यहां से तो हमारा क्लियर है क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि हम बना नहीं पाएंगे इसके लिए। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या लें, जो कि रिलेशन हमारे पास है क्या कि ए स्क्वायर 3B² इज इक्वल टू 28। तो क्या वैल्यूज दें, ठीक है जीरो से स्टार्ट करते हैं कंडीशन हम, कि अगर ए की वैल्यू जीरो लेते हैं, ए की वैल्यू जीरो ली तो ये बी स्क्वायर वाली जो कंडीशन बन रही है ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 28/3। तो ये इसे कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में जाएगा, और हमको ए और बी क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू डेसिमल फॉर्म में होती नहीं है, तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे हम, ए इक्वल टू जीरो से सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
अगर ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 1 लेने पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि इधर शिफ्ट होगा, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 27। क्लियर हुआ, ये 1 आता 1 इधर जाके शिफ्ट होता 27 हो गया, जिससे b स्क्वायर ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो एक सेट हमारे पास क्या बन जाएगा जो कि क्या है, एक हम सेट ले देते हैं जो कि क्या लेने पे आया 1 लेने पे, तो 1 लेने पे 3 भी आ सकता है और माइनस 3 भी, और 1 हम क्या है स्क्वायरिंग फॉर्म है तो हम माइनस 1 भी ले सकते हैं। तो क्या फॉर्म बन जाएगी, माइनस 1 माइनस 3 एक पेयर, तो ये बन जाएगा एक पेयर बन जाएगा माइनस 1 3, एक पेयर बन जाएगा 1 माइनस 3 और एक पेयर बन गया 1 3। कि आप माइनस 1 ए की वैल्यू माइनस 1 और बी की वैल्यू माइनस 3 लेते हो तो भी ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्क्वायरिंग फॉर्म है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 और 3 से सेटिस्फाई हो रहा है तो माइनस 1 और माइनस 3 से भी सेटिस्फाई होगा। तो एक तो ये चार आ गए, और देखते हैं अगर ए की वैल्यू मैंने क्या ली 2 ली, तो ये कितना आ रहा है 4, 4 इधर शिफ्ट हो रहा है जब, तो ये कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 24, कट भी हो रहा है कितना आ गया 8, लेकिन b स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन भी नहीं लिया जाएगा। a इक्वल टू 3 लेते हैं जब, तो ये कितना बन रहा है 9, a का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9 हो जाएगा, और यहां जब शिफ्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा 9 जब हम देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा बी की बी स्क्वायर इक्वल टू 19/3, इससे भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या देखें, अब कंडीशन देख लेते हैं, हम क्या लेते हैं ए की वैल्यू 4 लेके देख लेते हैं, इससे नहीं हो पा रहा है 4 लेके देखते हैं, तो 4 जब आपने किया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 जब यहां सबट्रैक्ट कर रहे हो आप तो 8 और 4 12 बच रहे हैं, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 12 कट हुआ तो कितना हो गया 4, तो b की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ रही है प्लस माइनस 2, क्या लेने पे 4 लेने पे, तो आपकी पेयरिंग क्या बन सकती है, एक तो माइनस 4 माइनस 2, एक माइनस 4 प्लस का 2, एक 4 माइनस 2 और एक 4 प्लस का 2, ये बन गए। और देखते हैं पॉसिबल है क्या, अगर ए की वैल्यू क्या लिया हमने 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 इधर शिफ्ट हुआ तो 28 माइनस 25 3 रह गया, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रह गई बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 1 आ जाएगा, जिससे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 1, क्योंकि यहां 3 बचता 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो 1 हो गया, तो b की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1, तो 5 वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या टर्म आई हमारे पास, एक तो हो गया माइनस 5 माइनस 1, एक हो गया माइनस 5 प्लस का 1, एक हो जाएगा 5 माइनस का 1 और एक हो जाएगा 5 1, ये हो गया टर्म। और देखते हैं पॉसिबल है क्या, तो अगर a की वैल्यू 6 लेता हूं तो कितना हो जाएगा 36, और 36 जब इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये 36 माइनस 28 कर रहे हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, जो कि किस में चल जाएगी आइटम में चल जाएगा, तो मतलब 6 या 6 से अबाव जब वैल्यू लूंगा तो मेरे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो किस में देगा नेगेटिव में, 28 से अबाव चल जाएगा। तो यही पेयरिंग होगी ए की, यही ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए ए के, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 और ये 12, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए ए के 12, जो कि इससे तो हमें मतलब था नहीं कि 12 आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, हमें बात क्या है इसमें कि बी सेट जो है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब बात हो रही है इसमें देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी ए सेट तो हमने निकाल लिया और बी इनफाइनाइट हो रहे हैं, लेकिन कॉमन पार्ट क्या आएगा इसमें ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम इसमें से ही देख लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b वाला पार्ट कौन सा है, तो माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 3, ये एक तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा 1 इज ग्रेटर देन माइनस 3 ये हो गया, और माइनस 4 माइनस 2 ये नहीं हो रहा, माइनस 4 2 भी नहीं हो रहा, 4 इज ग्रेटर देन माइनस 2 एक तो ये हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2 एक ये हो गया, क्योंकि ये a और ये b है ना, तो अब इसमें माइनस 5 माइनस 1 ये भी नहीं है,
एक हो जाएगा 5 और -1, 5 is greater than -1 एंड 5 is greater than 1, तो यही कॉमन पार्ट आप आएंगे ए और बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो कितने एलिमेंट दे रहा है, 6 एलिमेंट्स। तो क्लियर हुआ आपको, ये कितना आ गया हमारे पास 6। तो इसके अकॉर्डिंग ए की तो हमें जरूरत पड़ी, बी तो इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने इसी से कॉमन पार्ट निकाल लिया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट।